टूट गया हमारा दिल, आप देख रहे हैं रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, दाने दाने में केसर का दम, केसर का दम। केसर बुलाओ, एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस 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 बुला लेते, एम्बुलेंस आ जाती, एम्बुलेंस आ जाती, चुनाव जीत जाती, चुनाव जीत जाते पापा, बुलेटिन है पापा, चुनाव जीत जाते पापा। बस ये है कॉमेडियन भगत राम, जिसने सुधीर चौधरी का वैन करते हुए जमकर मजे ले लिए, जो कि अच्छा बात नहीं है। लगता है भगत राम ने सही पकड़ा है, कहा कि गोदी मीडिया के सारे पत्रकार और सुधीर का हाल कर्नाटक रिजल्ट के बाद कुछ ऐसा ही न था। मैं नहीं मानता, अभी बता दे भाई, हिंदू वोट दे। It's 10 o'clock. टाई हो गया है। आज ईवीएम की जीत हुई है। घर भगत राम की इस वीडियो को टैग करते हुए खुद सुधीर चौधरी लिखते हैं, भगत राम जी व्यंग एक स्वस्थ परंपरा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर व्यंग शालीनता की लक्ष्मण रेखा को भंग ना करे तो अच्छा लगता है। मैं भी आपके वीडियो देखकर काफी हंसता हूँ, लगे रहिए, लोकतंत्र में ये भी जरूरी है। आप ब्लैक एंड व्हाइट इतना ध्यान से देखते हैं, इसके लिए शुक्रिया। मतलब हद है सुधीर जी, भगत राम जी के व्यंग आपके चाल चरित्र की तस्वीर दिखाकर लोगों को हंसाती भी है और भाती भी है, लेकिन आपके लिए शीशे की तरह दिखाई देने वाला व्यंग पर आपको हंसी आती है, बेशर्मी की भी हद है। सही पकड़े हैं। तो इसी पे पवन कुमार नामक यूजर लिखते हैं, किस मिट्टी से ईश्वर ने बनाया, राष्ट्र के प्रति समर्पित आलोचक को भी धन्यवाद देने के लिए 1000 शेर के बराबर कलेजा वाला भी बोल सकता है। बात तो सही है। अब सुधीर चौधरी के ट्वीट पर भगत राम लिखते हैं, सुधीर जी मैं भी आपका शो देखकर काफी हंसता हूँ, लगे रहिए, लोकतंत्र में ये भी जरूरी है, हम दोनों यूं ही एक दूसरे का मनोरंजन करते रहे, आप मेरे वीडियो इतना ध्यान से देखते हैं, इसके लिए शुक्रिया। BTW, आपने तो न्यूज में कभी कोई रेखा भंग नहीं की, जस्ट आस्किंग। समझ रहे हो आप? इस पर तो आप विचार अवश्य करें। किस पर भाई? देख लो भाई। तो भाई पप्पू यादव की तरफ से एक बयान आया है, जिसे बोलता भारत कोट करते हुए लिखता है, मोदी जी धीरेन्द्र शास्त्री को PM बना दीजिए, आप तो 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सके, पर ये पर्चा निकाल कर सबको रोजगार दे देंगे। अच्छा, जब से धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हिंदू राष्ट्र का बात किया है, तब से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इसी पे कॉमेडियन राजू निगम इस फोटोगुआ को साझा करते हुए लिखते हैं, ये कौन सा काम करते हैं जो इतना थक जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे मोदी जी एक दिन में 4-4 रैली, रोड शो, 18-18 घंटे काम करने के बाद देखा कभी आपने पैर दबाते हुए? बाबा जी मोदी जी से कुछ सीखिए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।